Like and subscribe. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के दो मॉडल हैं उनके होलसेल प्राइस बताऊँगा डिस्प्ले के, जिसे हम पैनल भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं और कॉम्बो भी बोलते हैं। इनके होलसेल प्राइस बताऊँगा और इनके ग्लास, टच ग्लास के प्राइस भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इनका डिस्प्ले भी आपको दिखाऊँगा कि ये ओरिजिनल है या कॉपी पैनल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो दो मॉडल हैं आज मैं जिनकी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, वो है सैमसंग का एक मॉडल है J5 Prime और दूसरा मॉडल है J7 Prime। ठीक हो गए दोस्तों, ये देखें, ये मैंने ये सारे पड़े हुए हैं J5 Prime और J7 Prime। ये जो मॉडल है ये है J5 Prime। ठीक हो गया, ये देखें, ये गोल्ड कलर है, इसमें एक वाइट कलर है ये वाला, ठीक हो गया, और एक ब्लैक कलर होता है इसमें। ये देखें, ये तीन कलर हैं, ये सैमसंग J5 Prime है। ठीक हो गया, ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूं, और ये ओरिजिनल पैनल है दोस्तों। ये LCD में पैनल आते हैं, ये देखें, ये LCD में पैनल हैं, और ये इसके LCD की स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक हो गया, और ये जो इसका टच गिलास लगा हुआ है, ये देखें, ये इसका टच गिलास है। अगर कोई भाई J5 Prime यूज़ कर रहा है और ये जो ऊपर टच इसका गिलास लगा हुआ है ये डैमेज हो जाता है, तो इसके जो होलसेल प्राइस हैं, ये देखें, टच गिलास भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो होलसेल प्राइस हैं वो हैं 150। ठीक हो गया, 150 में ये आपको वेल पार्ट्स की शॉप से मिल जाएगा ये टच गिलास, और ये आसानी से चेंज हो जाता है। मुकम्मल पैनल आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़कत आपको ये गिलास चेंज करवा सकते हैं और ये मोबाइल आपका ओके हो जाएगा। ठीक हो गया, अगर किसी भाई का ये J5 Prime मुकम्मल डैमेज हो जाता है, ये डिस्प्ले भी डैमेज हो जाता है, तो इसके जो होलसेल प्राइस मार्केट में चल रहे हैं, ये वाइड में भी दिखा देता हूँ, देखें, ये मुकम्मल जो इसके जो प्राइस हैं वो 2600 हैं, 2600 रुपये में ये आपको मिल जाएगा मोबाइल पार्ट्स की शॉप से। इसी प्राइस में मैं भी सेल कर रहा हूँ ओरिजिनल पैनल, ओके हो गया। ये LED में पैनल नहीं आया दोस्तों, LCD में पैनल है। अगर मैं इसका आपको डिस्प्ले का रिव्यू दिखाऊं तो अभी दिखा देता हूं, ये देखें मेरे पास कोड है, मैं ये देखें, ये गोल्ड का दिखा देता हूं, ये गोल्ड है, ये गोल्ड पड़ा हुआ है, इसको हम अभी अपने बोर्ड पे लगाते हैं। ये देखें, ये इसका बोर्ड है, और यूँ हम इस पैनल को यहाँ इसके जैक के अंदर लगाएंगे, ये देखें, ये लग गया, और हम इसे ऑन करते हैं। ये देखें, अभी मैं इसका आपको, ये देखें, J5 Prime, ठीक हो गया, ये LCD में आ रहा है पैनल दोस्तों, LED में ये पैनल नहीं होता, ये ओरिजिनल पैनल है। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप मोबाइल पार्ट्स के होल सेल प्राइस देखते रहेंगे। ये देखें, ये सैमसंग आ गया, इसका ऑन और है सेट, मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ, ये देखें, ये J5 Prime ओरिजिनल पैनल, ठीक हो गया, ये टच इसका वर्क कर रहा है, ये देखें, ये इसके ऑप्शन आ गए, ठीक हो गया दोस्तों, ये देखें। अगर आप खुद परचेज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका पैनल, तो मैं आपको इसके टच की वो चेकिंग करने बता देता हूँ कि ये किस तरह, ये देखें, ये आपने इसे ऑन करना है, इसकी टच की वर्किंग हम चेक करेंगे। ये देखें, स्टार मिलाना है आपने, #0*#, ठीक हो गया, ये ऑप्शन आएगा आपके सामने। ये देखें, ये रेड ग्रीन ब्लू, ये हम ओके करेंगे रेड, यहाँ से हम देखेंगे कि अपना डिस्प्ले में कोई डॉट तो नहीं है, तो डिस्प्ले में कोई डॉट नहीं है, ओके है डिस्प्ले। ग्रीन देखते हैं, ग्रीन में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, और ब्लू में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक हो गया दोस्तों। टच इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये जो पैराग्राफ हम मुकम्मल ये जो पास कर लेते हैं तो समझ लें इसका टच एकदम से ओके है, ठीक हो गया। अगर ये कहीं से भी मिसिंग करता है तो समझ लें ये आपका टच वर्क
बाद में आपको मसला करेगा। ये देखें ठीक हो गया, ये मैं इसे मुकम्मल कर देता हूँ, ये ओके हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये आपको इस मिल जाएगा 2600 रुपये में, किसी भी मोबाइल पार्ट्स की शॉप पे जाएं आप, आपको इसी प्राइस में ये मिलेगा। और ये टच करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब चेक करते हैं J7 Prime, J7 Prime के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है सैमसंग J7 Prime, ठीक है। ये वाइट कलर है, ये गोल्ड कलर है, और ये है इसका ब्लैक कलर, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो तीनों पैनल हैं ये भी LCD में ही आ रहे हैं सैमसंग के, ठीक है। ये LED में पैनल नहीं है, ये LCD में पैनल है। ये देखें देखें, ये ओरिजिनल पैनल है दोस्तों, ठीक हो गया। ये देखें, ये गोल्ड कलर है और ये ब्लैक कलर है। अगर कोई भाई यूज़ कर रहा है ये J7 Prime, वही बात के अगर गिलास डैमेज हो जाता है तो गिलास के जो प्राइस है वो 150 है, ठीक है। 150 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा, आप आसानी से चेंज करवा सकते हैं। ये देखें, ये ब्लैक, गोल्ड और वाइट कलर, ठीक हो गया। तीनों कलर आपको 150 रुपये में एक गिलास मिल जाएगा, आप आसानी से चेंज करवा सकते हैं। अगर ये मुकम्मल डिस्प्ले आपका डैमेज हो जाता है, ठीक हो गया दोस्तों, इसके जो होलसेल प्राइस चल रहे हैं, जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में अपने कस्टमरों को, तो ये 2800 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी मोबाइल पार्ट्स की शॉप से। इनके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो मेरी अप डाउन अपडेट वीडियो भी आती रहती है इनके बारे में। तो ये आपको 2800 में मिल जाएगा तीनों कलर, ठीक है। 2800 में गोल्ड मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा और वाइट भी, ठीक हो गया। एक ही सेम प्राइस है इनके, ऐसा नहीं है कि वाइट के और प्राइस हैं, गोल्ड के और प्राइस हैं और ब्लैक के और प्राइस हैं, एक ही प्राइस है इनके 2800। 2800 में ही ये आपको मिल जाएगा। चलिए इनका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, ये मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ इनका। ये देखें, ये बोर्ड पड़ा हुआ है, ये J7 Prime का बोर्ड है, ये देखें, ठीक हो गया। और ये हम इसे ऑन करते हैं, ये देखें, ये जैक लगा हुआ है, यहाँ हम इसके जैक लगाएंगे, ये जैक लग गया, ये हमने इसको यहाँ इसे हम ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो रहा है J7 Prime, ठीक हो गया दोस्तों। इसका डिस्प्ले दिखाने का मकसद है कि आप लोगों को इनका पता चल जाए ये कैटेगरी कौन सी है। इसके कलर आपको अभी पता चल जाएगा, इसके टच की वर्किंग भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह टच हम इनकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने J5 Prime की चेक की, ये देखें, ये आपके सामने मेन्यू आ गया, ये खुल गया, ओके हो गया। ये देखें, 1 2 3 4 5, ये देखें टच वर्क कर रहा है, बेहतरीन टच वर्क कर रहा है। ये बैक आ जाते हैं हम ज़रा, ये बोर्ड जो मेरे मैंने लिए हुए हैं इनकी ज़रा स्ट्रिपों में मसला है, क्योंकि हमने चेकिंग के लिए रखे होते हैं ये बोर्ड। ये देखें ठीक हो गया, और अब हम इसके टच की वर्किंग चेक कर लेते हैं। ये देखें, *#0*#, इस तरह मिलाएंगे ये ऑन हो जाएगा। अब ये देखें, ये तो रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर दिए हुए हैं ताकि हम डिस्प्ले में डॉट वगैरह चेक कर लें, ठीक है। ये देखें, डिस्प्ले में कोई डॉट नहीं है, ग्रीन चेक कर लेते हैं। ये देखें, ग्रीन में भी कहीं कोई डॉट नज़र नहीं आ रहा, इस और ब्लू में भी कहीं डॉट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा डिस्प्ले ओके है, ठीक हो गया। अब हम टच की रनिंग चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अगर मुकम्मल पास हो जाता है तो समझे दोस्तों आपका ये जो टच है ना पैनल का, एकदम ओके है, ठीक हो गया। ये देखें, ये और ये यहाँ से थोड़ा सा रह गया, ये ओके हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा पैनल एकदम टच ओके है, ठीक हो गया। इसके बाद आप फिटिंग करवाएं, ये देखें कलर इनके ज़बरदस्त मोबाइल J7 Prime। ये देखें, ये इसकी कंट्रास्ट कम हो गई, ये ज़्यादा हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए मोबाइल पार्ट्स के होलसेल प्राइस लाता रहता हूँ।